अरशद वारसी जो कि बॉलीवुड में पिछले 25 सालों से राज कर रहे हैं। अरशद ने इन 25 सालों में हर प्रकार का रोल किया है। उन्होंने कॉमेडी से लेकर सीरियस किरदारों को खूब बेहतरीन ढंग से निभाया है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब अरशद को लग रहा था कि वह बॉलीवुड में टिक नहीं पाएंगे। अरशद को ऐसा फिल्म मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग के दौरान लगा था। अरशद की इस फिल्म में अपने किरदार सर्किट को निभाकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उनकी आखिरी फिल्म हो। इस बात का खुलासा अरशद ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में किया है। अरशद ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS के बारे में बताते हुए कहा है कि मुझे पता था कि यह फिल्म करने के बाद मुझे लगा कि इस फिल्म के कारण मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी फिल्म है। यह एक गुंडे का रोल था। इस रोल को मकरंद देशपांडे तक ने करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि इस रोल में कुछ भी नहीं रखा है। आगे अरशद ने कहा कि मुझे फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी बहुत ही अच्छे लगे, इसीलिए मैंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ में भर दी थी। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था कि यह फिल्म मेरी करियर को खत्म करने वाली है, क्योंकि कोई भी फिल्म में गुंडे को याद नहीं रखता, सिर्फ हीरो याद रहता है। मैंने राजकुमार हिरानी से कहा कि बस मुझे इस फिल्म की शूटिंग को एंजॉय करने दो। इसके अलावा इस फिल्म को लेकर मैं ही नहीं बल्कि संजू यानी कि संजय दत्त भी बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें इस फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बता दें कि साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने अरशद और संजय के फिल्मी करियर को काफी बड़ी उड़ान दी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके अलावा इस फिल्म का सिक्वल लगे रहो मुन्ना भाई भी हिट रही थी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।